सरकार की नीतियों से नाराज डॉक्टरों ने एक बार फिर आंदोलन की राह इख्तियार की है। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित ब्लॉक स्तर पर चिकित्सकों ने लंबित मांगों के समर्थन में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी। चिकित्सकों ने सुबह 11 बजे से 1 बजे तक प्रवेश द्वार के समीप इकट्ठा होकर नारेबाजी कर आक्रोश दर्ज कराया। चिकित्सकों का कहना है कि 17 फरवरी को शासन ने मांगे मानने का भरोसा दिया था, लेकिन अब वादे से मुकर गई। इसी वादा खिलाफी से चिकित्सकों में आक्रोश है। डॉक्टरों की 2 घंटे की हड़ताल से मरीजों को परेशान होना पड़ा। 2 घंटे तक मरीजों को इलाज नहीं मिल सका। हालांकि आयुष चिकित्सकों ने मोर्चा संभाला है, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रहा है। CMHO डॉक्टर DS सोलंकी ने बताया, मंगलवार 2 घंटे की हड़ताल थी, लेकिन बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी के चलते व्यवस्था जुटाई जा रही है। आयुष चिकित्सकों के साथ निजी अस्पतालों के चिकित्सकों की सेवाएं लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। बताते हैं तो उसके लिए हमने डॉक्टर 1 तारीख से तो काली पट्टी बांध के अपना विरोध जताया था, लेकिन आज जो है 11 से 1 बजे तक वो ओपीडी की सेवाएं नहीं देंगे। वो इसके लिए हमने आयुष डॉक्टरों को बंद पत्र, जो चिकित्सक है उनकी सेवाएं हम ले रहे हैं और ओपीडी में मरीज देख रहे हैं। बाकी 11 बजे के पहले पहले डॉक्टरों ने अपने राउंड ले लिए सभी ने, और जो पेशेंट उनको देख लिए हैं, जो डिस्चार्ज करने कितने उनको डिस्चार्ज। सर, कल से अनिश्चित हड़ताल में जाने का चल रहा है, तो उसके बाद फिर क्या व्यवस्थाएं रहेगी सर? अभी हमारे जो भी डॉक्टर, जो आयुष चिकित्सक तो है ही, उसके साथ में हमने निजी चिकित्सकों के को भी हमने यहाँ पे कार्य के लिए अनुरोध किया है, और साथ में हमने जो आयुष्मान के जो इंपेरियल हॉस्पिटल है वहाँ पर भी हम मरीजों के का ट्रीटमेंट करवाए। सर, मांगों को लेकर क्या किया जाएगा अभी? मांगों के डॉक्टरों की जो मांग थी कि हमारे पुरानी पेंशन बहाल हो, और DACP की मांग समयबद्ध पदोन्नति, और प्रशासनिक अधिकारियों की चिकित्सकों के प्रति दखलंदाजी, इन मांगों को लेके डॉक्टरों ने 17 फरवरी को हड़ताल की थी, और आज अभी तक मांगों का निराकरण नहीं हुआ है, इसलिए वो इस अभी 1 तारीख से अपने हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।